बना लो व्लॉग। बना लो। मुझे ज्यादा ही होने वाला है ना अली अली भाई, कितने साल होने वाले हैं? एक साल होने वाला है ना, तो फिर आज ज्यादा साल तो हमारा हो गया कंप्लीट, बल्कि मैं कह रहा हूँ एक साल से ऊपर ही हो गया। हमें गर्मियों में शुरू किया था, गर्मियाँ सर्दियाँ फिर से गर्मी आ गई, एक साल से ऊपर हो गया। तो आप ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, थोड़े बहुत ही हमारे सब्सक्राइब हो गए, ठीक है यार आपसे मैं व्लॉगिंग शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपने आएंगे ना कमेंट भी करना, शेयर भी करनी है मेरी वीडियो, लाइक भी करना और उसको कमेंट भी करना, ठीक है अली भाई, ठीक है ना। ये दोस्तों आप बात याद रखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं करता हूँ खैर खैरियत से, अगर ठीक ठाक कर लीजिए ना हम आगे मिर्जू के अंदर। तो दोस्तों मैं अपने मिर्जू के अंदर तो आ गया, और मैंने अपने सारे परिंदों को अभी फ्रेश फ्रेश खाना भी डाला है और पानी भी दिया है। और फिर उनको देखो यार, देखो आंटी है ना वो, मेरे तो अंकल लग रहा है, आंटी है, आंटी है। तो फिर आंटी को देखो यार कैसे सो रही है, और इसको देखो यार हमारे मास्टर गेट के परिंदों को, अली भाई इसके भाई है जंगली चिड़िया के, ठीक है। इसको कोई नाम नहीं लगे थे, मैं जंगली चिड़िया कहता हूँ, बस सपैरो लगे थे इसका नाम, सपैरो ना अली भाई हमारी। उसके जो माँ बाप है उन्हें मैं आपको बताया नहीं था दोस्तों, उन्होंने और बच्चे दे दिए, वो इससे भी बड़े बड़े हो गए। अच्छा, उड़ते नहीं है, उनके जो पैर है ना उसके ऊपर जख्म है, एक के पैर के ऊपर, वो उड़ता नहीं है। फिर भी मैंने एक बार तीन लगा दी थी, देखो वो उड़ना सीख जाएगा खुली बा खुली ना दोस्तों, वो उड़ना सीख जाएगा। और देखो आप कह रहे हो दाई नहीं डाली, मैंने अभी अभी ताजे इनको दाई डाली, और मुर्गे वगैरह अपने छैन सा को भी मतलब डाल दिए गए, और हमारे मास्टर गेस के परिंदों को देखो। और आपने कमेंट सकते हैं अभी अभी जाकर बताओ हमारे मास्टर गेस आपको कैसा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उम्मीद है मुझे अच्छा लग रहा होगा। कौन सा तोता है? मुझे सबके घर ही तोड़ देगा, मुझे उसके ऊपर जहाँ पे हमारी चाइना जब ने पहले ऊपर वाली मक्की के अंदर डाली थी नहीं, वो बच्चे नहीं गए थे वहाँ पे, तोता बैठा खा रहा है हर चीज को, वही उसने ही तोड़ा है, उसने वह जब ने घोंसला नहीं बनाया बताओ दोस्तों, वो भी उसने तोड़ा है यार। वो देखो ये रहा, हाँ ये देखो यार बहुत ज्यादा चलाक है यार ये, तो मैं कह रहा हूँ अलग ही रखना पड़ेगा। वो देखो वहाँ की रस्सी जो है ना वो भी उसने तोड़ तोड़ के क्या हाल कर दिया, मुझे लगता है ये तो नीचे गिरा के इसको तोड़ ही दोस्तों जान लेगा। अली भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो पिंजरा है ना बहुत सारा दिन हो गया, आप अपने दोस्तों को बुलाओ ये अंदर रखवाते हैं, हम रात होने का इंतजार करते हैं क्योंकि रात को अली भाई के सो दोस्त सो रहे होते हैं नींद में, तो फिर हम उनको कहाँ से बुलाएं यार। तो फिर रात होती है ना, अगर दिन के अंदर दोस्तों आप कहते हैं रख ले हम, तो फिर दिन के अंदर तो सारे हमारे शरारती मास्टर गेट के बंदे उड़ जाएंगे। देखो यार अभी वो कितनी शरारते कर रहे हैं, और अभी यार फिर चीज भी देखो सारे कटे बैठे हैं, अली भाई जो जंगली पैरो नहीं है पैरो, ठीक है जो वहाँ जंगली चीज़ों को बताया मतलब जिसका भी अभी हमने नाम रखा है, ये ना बजीज के साथ बैठते हैं। अच्छा, बजीज के साथ बैठते ना फिंचीज के बैठ बैठते ना कॉकटेल के साथ ना रंग बिरंगी फिंचीज के साथ, और रंग बिरंगी फिंचीज तो तीरा गाले के ऊपर बैठे रहते हैं और कहीं जाते नहीं यार। और फिर ये जो बजीज है ना उनके ऊपर बैठते रहते हैं, उनको देखो पूरा पैर झूले रहे हैं ना, समझ नहीं आई ये जो हाउस है हमारे यहाँ वाला वो कितने तड़ा हो गए ऊपर, इन्होंने तोड़ा होगा मैं कभी बजीज में, घोसला भी था एक ने अंडे भी दिए थे, अंडे भी मैंने देखे ना दोस्तों वो खराब हो गए। तो आज हम खरगोशों के पास चलते हैं मतलब अपने रैबिट के पास। देखो यार अली भाई सुकून कर रहे हैं बच्चे, देखो मासूम यार तो अरे भाई डर रहे भी नहीं है, बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े बड़े होने का ये फायदा हो गया डर भी नहीं रहे किसी से। और देखो यार पहले मासूम अली भाई भी अंदर ही छुप जाते थे, वो मक्की के पीछे खड़े बाहर खड़े हो, देखो कोई भी नहीं डाला, अरे भाई इनके करीब जाऊँ नहीं नहीं करीब में उतर जाएंगे डर जाएंगे, चलो यार मैं पीछे खो जाती हूँ, देखो यहाँ से वहाँ तमाश पीना कर रहे देखो वहाँ से, चलो यार बाहर की तरफ चलते हैं हम लोग, इनको ज़्यादा दिलचस्प नहीं करते। हमारा चुनू भी देखो घास आने खाया है, ठीक है, और इनको हमने घास वगैरह तो अभी मैंने आपको बताया डाल दिया था। अली भाई पानी चल रहा है इसका क्या करें, एक बार छिड़काव कर लो पूरे अपने मेहनत के फिर से,
अली भाई आप चूजों के ऊपर ना करना और मुर्गियों के ऊपर भी ना करना, बताऊं क्यों? क्योंकि मुर्गी के ऊपर भी हमने कर दी, चूजों के ऊपर भी हमने हल्का सा प्रेशर से मार दिया था, वो ठीक हो जाइए, ठीक है? गीले नहीं हो, वैसे हल्की सी छिड़काव कर दी थी उनके ऊपर, जैसे शावर भाई बहुत से छिड़काव नहीं करते वैसे ही। अली भाई ये कहाँ पानी मार रहे हो यार, कोना कोना धो रहे हो तो यार, कोने कोने धो दो, दीवार के ऊपर में। अली भाई उस वाले पेड़ के ऊपर पानी भर दो, वो बेचारा सूखा पड़ा रहा था, डाल दिया जो यार अली भाई ने पहले ही डाल दिया मेरे कहने से। और फिर यार देखो जब मैं व्लॉग बनाता हूँ ना, हमारे मास्टर गैस के अपनी ने पहले बोलने लग गए थे, अली भाई मैं अपने चेस को खोल दूँ, डाल तो उनको पहले डाल दी थी मैंने, खोल दूँ अली भाई चेस को, खोल दो, खोल दो, चलो यार चेस की बात चलते और चेस को खोलते हैं, तो चलो। ए रे आ जाए दोस्तों हम चिप्स के पास, उसको अब हम खोल, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, चलो निकलो निकलो बाहर जाओ, चलो चलो यार। अली भाई पूरे के पूरे 7 चिप्स हैं यार, अब दुलम भाई ने गीला किया है, बीमार हो जाएंगे, बीमार मेरा तो नहीं किया यार, मेरे ऊपर तो गुस्सा ना करो, अब्दुल्लाह भाई ने किया था, इतना गिला क्यों कर दिया, बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। चलो यार ठीक हो जाएगी, रोज ही ऐसे फिरते हैं, देखो बंद कर दो, बंद कर दो, हाँ जी बंद कर दो, चलो यार अंदर को चलो, चलो 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 इनको। वैसे दोस्तों हमने खोला था दाइज देते हुआ, क्योंकि दाइज देने से पहले इनको हम खोलते हैं, जो इनके पेट के अंदर खाना होता है ना वो हजम हो जाता है। चलो यार चलो, ये देखो दाइज दी हुई हमने। अली भाई दरवाज़ा लगा दो यार, मैं तो दरवाज़ा ही नहीं रखता, लगा दो यार, या भी सूख जाएगी 2 मिनट बाद। चलो अच्छा ठीक, चलो यार मैं तो चलती हूँ बाहर की तरफ, अली भाई आप लगा के ना मतूदी भी बंद कर दो और बाहर की तरफ आ जाओ, बच के इंजॉय कर रही हमारी आंटी अंकल। आज दोस्तों 2-3 दिन हो गए थे, कमेंट कर जा रहे थे कि हमारा जी यार रोबी कहाँ गया, रोबी आप फिर से नहीं दिखा रहे यार, वो नीचे होता है नमाज जाते, जब हम ऊपर आते हैं व्लॉग बनाने वो आते नहीं है, सुबह सुबह हम व्लॉग नहीं बनाते ना, कभी कभार ही बनाते हैं आपके सामने, कभी बार मार के जाना होता तो फिर जब ऊपर आता है ठीक है, और जब हम व्लॉग बनाने का कभी कभार सुबह को भी व्लॉग बनाते हैं ना, वो उससे भी पहले होके चला जाता है। अली भाई इसका क्या करना है यार, सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रहे हो यार, ये अच्छी कंडीशन में पड़े हैं, ये देखो बनवाया हुआ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कुछ भाई कमेंट में कह रहे थे ना कि आप इसका ना एक और साथ बना के जैसे हमने कहा था वैसे ही करो ठीक है, एक और साथ ऐसे बना दो ठीक है, और उसके ऊपर ये जो लकड़ी का फ्रेम बनवा लो, जैसे ऐसे नहीं होता लकड़ी का फ्रेम, ऐसे ही लकड़ी का फ्रेम बनवा लो। दोस्त भाई कमेंट कह रहे थे, मैंने पढ़े थे, तो फिर ऐसे ही हम करवा लेंगे ना, फिर भाई कह रहे थे सीमेंट वगैरह के ना रंग भी करवा देना, फिर बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, और चीज को ना इधर से इधर ही वो जो है ना इधर ही रखा करेंगे। अली भाई मैं तो कहूँगा सर्दी आ रही है, कोई असील मुर्गी को है ना पेयर ले लेते हैं, दो पेयर देखते हैं। हाँ दोस्तों आप कमेंट सकते हैं, अभी अभी जाके बताओ कि ना हमें अपने जो मेन्जू के अंदर 2 असील पेयर लाए कि नहीं, क्योंकि अंडे भी खाने हैं ना यार, घर में सर्दी आ जाती है, अंडे तो खाने पड़ते हैं, तो फिर अंडे भी खाएंगे और फिर आपको भी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। अली भाई किसी दोस्त के पास आपकी मुर्गियाँ वगैरह हैं? हाँ पड़ी हैं, ले लेंगे। ठीक है यार उनसे कहना 2 पेयर हमें असील मुर्गा और मुर्गी के दे दे, जैसे हमारे फ्रेंड्स है ना वैसा मुर्गा दे, और जब अली भाई अगर दुआ करो यार हमारे पास मरे ना ठीक है, और फिर हमारे पास ना पढ़ते रहे माशाल्लाह, फिर ये बड़े फ्रेंड्स है जैसे बन गए ठीक है, और ये भी हो जाएंगे, फिर 2 पेयर और भी हो जाएंगे, अगर फ्रेंड्स हमारा जिंदा रहा तो फिर ये भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुर्गे मुर्गियाँ हमारे पास रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यारे लगेगी। कहाँ जा रहे हो यार, इधर हो, मैंने आपसे दोस्तों से एक बात शेयर करनी थी। अब्दुल भाई तो बाद में सो रहे हैं, वो उनको मैं बाद में बता दूंगा, ये जो अली भाई कोकटेल है ना इनको मैं तो कह रहा हूँ इस वाले पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं, अंदर रख के या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, हाँ इसी में अंदर रखवा के ना कल या आज रात अंदर रखवा के ठीक है, अपने दोस्तों से कहना यार सोना नाम कॉल करके, फिर वो सोए हुए होते हैं, फिर इनको तंग करना अच्छा नहीं लगता ना। अली भाई ठीक है इसको अंदर रख के दोस्तों आपने कमेंट से जरूर बताना हम इनको क्या अंदर रख के इस पिंजरे को कोकटेल का ना। हाँ भाई मेरा भी दिल चाह रहा है, अली भाई का बेचारा अब्दुल भाई को मैं बताऊंगा जरूरी, उनका भी दिल चाहेगा, क्योंकि ये जो कोकटेल है ना अली भाई ये वजीद है इनका घर तो,
छोड़ देते हैं। और बजीर गुस्से में आके वो कॉकटेल का घर तो तोड़ ही नहीं सकते, एक कॉकटेल का पेड़ घर भी मना रहा अपना, तो फिर अगर वो तोड़ देंगे वो फिर यार दिल के यार मांसों में बह गई ही हो जाएगा यार। तो फिर वो जो बजीर है वो फिंचीज का तोड़ देते हैं, ऐसे ही होता है यार। अगर असल मुसीबत कॉकटेल की हट जाएगी ना तो फिर यार ये ना बजीर इनका फिंचीज इतना घर बनाती है इनका तोड़ देते हैं यार ये। इसको देखो और दोस्तों आपने कमेंट सकते हैं अभी अभी नीचे जाकर बताओ, वीडियो देख के ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, फिर वीडियो देख के ना इसके अंदर जाके कमेंट में बताओ कि हम कॉकटेल को अलग करें ये पिंजरा अंदर रखे, और इस वीडियो को तो मैं इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल हाल पे तो उसको सब्सक्राइब करना मत बोलना मेरा कैसा। हाँ फिर बाय बाय।